हमारे कष्ट का तनिक भी ध्यान नहीं। जी पटवारी जी, हमने तुम्हारा मुख देखने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, ना ही तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि उसे देखकर हमारा उद्विग्न मन इतना शांत हो जाए। बताओ कहाँ है हमारी प्रमुख दासी मुखरी? दुष्टाओ, क्या तुम सबको हमारे हाथ से दंडित होना है? अगर तुम सब मुखरी को देखने भाग जाओगी तो हमारी सेवा कौन करेगा? अब तक कहाँ थी मुखरी? ये तुम्हारे मुख से रंगत क्यों उड़ी है? क्या हुआ? क्षमा करें पटरानी जी, आपसे अकेले में निवेदन करने की इच्छुक हूँ। जाओ, ओझल हो जाओ हमारी दृष्टि से। तुम सब किसी योग्य नहीं हो, ना सेवा कर सकती हो, ना किसी के काम आ सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अनर्थ हो गया पटरानी जी। तू कभी भी शुभ सूचना लेकर नहीं आती, सदा ही अनर्थ और अशुभ सूचना लेकर क्यों आती है? जो घटित हो रहा है वो आपको बताना मेरा कर्तव्य है। बातें ना बना, शीघ्र बता जो बताना है। क्या अनर्थ हो गया? पटरानी जी, आपके आराध्य शनिदेव बड़ी महारानी का बाल भी बांका ना कर सके, शनिदेव को उल्टे पाँव भागना पड़ा। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ पटरानी जी, असत्य कहकर अपने प्राण थोड़े ही गंवाने हैं। वन महल की विश्वास सेविका बुधनी ने मुझे अभी अभी ये सूचना दी है कि शनिदेव के प्रहार से सुनीति की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति और सभी शुभ ग्रह आए थे। उनके प्रहार से शनिदेव भागने के लिए विवश हो गए। ये तो सत्य ही अनर्थ हो गया है। पटरानी जी, इस घटना के पश्चात बड़ी महारानी, बंद करो अपना प्रलाप। सुनीति बड़ी महारानी नहीं, मेरी सौत है। विवाह के पश्चात उसका पटरानी पद छीन लिया गया है। क्षमा पटरानी जी, क्षमा। भावना के प्रवाह में आकर मेरे मुख से उस दुष्टा के लिए बड़ी महारानी संबोधन निकल गया, क्षमा। भाग्य विधाता, शनि देव की आराधना में मैंने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर डाला। मुझे विश्वास नहीं होता स्वयं को विध्वंसक, विस्फोटक और भयानक और मारक कुदृष्टि के स्वामी बताने वाले शनिदेव इतने अधिक निर्बल होंगे। उनकी पराजय ने मेरे मनोबल को छिन्न भिन्न कर दिया है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या करूं? सावधान, सावधान, महाराज पधार रहे हैं। तुम शीघ्र ही दूसरे द्वार से बाहर निकल जाओ। और सुनो, अभागन सुनीति का नाम भी तुम्हारे मुख पर आए। पटरानी सुरुचि, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है पटरानी सुरुचि? हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो अथवा ना हो, किंतु आपको अवकाश कहाँ है? आपकी बड़ी कृपा है महाराज, जो आज हमारे स्वास्थ्य के समाचार को ज्ञात करने यहाँ पधारे। ऐसी बात नहीं है पटरानी, राजकाज की व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं मिलता। मैं आपके युवराज की माता बनने वाली हूँ, किंतु इस बात की आपको तनिक भी चिंता नहीं कि इस समय मेरे मन में क्या बीत रही है। क्या बात है पटरानी, किस बात का कष्ट है तुम्हें? मेरे कष्टों को ज्ञात करने से पहले अपने मन के कष्टों को बताएं। मेरे मन के कष्ट, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि कंपिला देश में भी रहकर आपका मन यहाँ नहीं रहता। अर्थात? अर्थात अर्थात सुनने का लोभ ना दिखाए महाराज, क्योंकि उसकी कड़वाहट आप सहन नहीं कर पाएंगे। तुम मेरा अपमान कर रही हो। स,
सत्य को अपमान कहकर आप सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते महाराज। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? महाराज, आपका मन सदा ही मेरी सौत सुनति में लगा रहता है, इसी कारण आप मेरी चिंता नहीं करते। महारानी सुनीति को इस महल से निकालकर भी तुम्हारे द्वेष का अंत नहीं हुआ? पटरानी सुरुचि, मुझे भय है कि कहीं तुम्हारी ईर्ष्या का दुष्प्रभाव तुम्हारे गर्भ में पलने वाले युवराज पर न पड़े। मुखरी, मुखरी! क्षमा करना पटरानी जी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कैसी बात? पटरानी जी, महाराज को बड़ी महारानी नहीं नहीं आपकी सौत दुष्टा सुनीति के गर्भवती होने की सूचना मिल गई है। क्या? पटरानी जी। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। छलिया विष्णु की आराधना करके ये दुष्टा सुनीति विध्वंसक शक्तियों का अपमान कर रही है। दैत्य सेनापति राहु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव की आज्ञा है कि हमें किसी भी प्रकार विष्णु भक्ति में लीन सुनीति के मन को भ्रमित करना है। भ्रमित करना तो कठिन है, विध्वंस करना सरल है। अर्थात भ्रमित करने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करके एक योजना बनानी होगी। उचित समय पर उचित योजना बनाकर भयंकर प्रहार करना राहु का स्वभाव है। क्या तुम्हें मेरी बुद्धि और विवेक पर विश्वास नहीं है? प्रश्न विश्वास का नहीं है दैत्य सेनापति। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। प्रश्न तो सुनीति के शुभ चिंतकों का है। शुभ चिंतक? मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शनिदेव के शुभ चिंतकों। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद को सूर्यदेव का प्रणाम। प्रणाम देवगुरु। नारायण नारायण, क्या आप दोनों भी मेरी ही भांति महारानी सुनीति के आराधना स्वरों से आकर्षित होकर यहाँ प्रकट हुए हैं? आराधना स्वरों से आकर्षित होना तो हमारा स्वभाव है और आराधना श्री विष्णु की हो तो ये आकर्षण और भी बढ़ जाता है। देव ऋषि, महारानी सुनीति की आराधना के स्वर वातावरण में गूंज रहे हैं। निश्चित ही ये स्वर शनि देव तक भी पहुंच रहे होंगे। कहीं विध्वंसक शक्तियां पुनः महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस तो नहीं करेंगी? नारायण नारायण, गृहपति सूर्यदेव, आपके पधारने से पूर्व ही विध्वंसक शक्तियों के शुभचिंतक दैत्य सेनापति राहु
शनिदेव के अनुचर भैया और साढ़े साथी यहाँ प्रकट होकर किसी कुचक्र की योजना बना रहे थे, किंतु नारायण नारायण मुझे देखते ही वे अदृश्य हो गए। संभव है कि वे महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने वन भवन पहुंच गए हों। सूर्यदेव, ऐसी स्थिति में हमारा सावधान होना आवश्यक हो गया है। वैसे भगवान विष्णु का कृपा कवच सदा महारानी सुनीति की रक्षा करेगा। देव गुरु, भागवत भक्त की रक्षा और सहायता करना हमारा परम पावन कर्तव्य है। यदि विध्वंसक शक्तियों ने पुनः महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस भी किया तो हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। चलें देवगुरु। नारायण नारायण। विध्वंसक शक्तियों से सात्विक शक्तियों के संघर्ष का परिणाम अत्यधिक रोमांचक होगा। इस संघर्ष में विजय तो सदा की भांति सत्य की ही होगी, किंतु विध्वंसक शक्तियां महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने के लिए किस सीमा तक नीचे उतर सकती हैं, ये देखने को नारद का मन उतावला हो रहा है। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। विष्णु भक्ति सुनीति, इस संघर्ष में विजय पाने के लिए योजना की नहीं प्रहार की आवश्यकता है। इस दुष्टा विष्णु भक्तिन सुनीति को भस्म करके हम संसार के विष्णु भक्तों को भयभीत कर देंगे। प्रहार करने से पहले सोच ले दैत्य सेनापति, हमें देवताओं के चाटुकार नारद ने देख लिया है। आखेट के समय सोच विचार भीरू करते हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव के पार्षद हो। हमें इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। प्रहार। जय जय शनि देव। ओम नमो। मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस ना करो सूर्य, अन्यथा मैं इस बार तुम्हारे ऊपर ग्रहण नहीं, अभी तो तुम्हें अपनी दाढ़ों में दबाकर चबा जाऊंगा। मूढ़ बुद्धि राहु, मैं नियति का सम्मान करने के लिए तुझे अपने ग्रहण का अवसर प्रदान करता हूँ, किंतु तू मेरी सरलता का अनुचित अर्थ लगाता है। बार बार मेरे द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी तुझे सत्य का ज्ञान नहीं होता। सत्य का ज्ञान अब तुम्हें ही नहीं अब तू इस संसार को भी होगा, जब मैं तुम्हें अपने दाढ़ों में दबाकर मसल डालूंगा। राहू, दैत्य सेनापति राहु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव के पिता सूर्य देव पर प्रहार करना अनुचित है, कहीं शनि देव ही रुष्ट न हो जाएं। मूर्ख ढैया, तू मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना कर। मैं सूर्य को तो वर्ष में न जाने कितनी बार अपनी दाढ़ों में दबाकर उगल देता हूँ, किंतु आज इसने मेरे पराक्रम को ललकारा है। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। राहु, अहंकार के अंधकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। यदि तुम अपने अहंकारी और पापी जीवन से मुक्ति के इच्छुक हो तभी गृहपति सूर्यदेव पर प्रहार करने का दुस्साहस करना, अन्यथा तुम्हारा नाम आज के पश्चात इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित हो जाएगा। दैत्य सेनापति राहु, अपनी उत्तेजना का त्याग करें, इस समय संघर्ष अनुचित है। क्या कहने के इच्छुक हो तुम? दैत्य सेनापति राहु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव की आज्ञा सुनीति की तपस्या खंडित करने की है, न कि बृहस्पति और सूर्य से युद्ध करने की। तुम उचित कह रहे हो ढैया। ओम नमो नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु की महाभक्तिन प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम देवगुरु। महारानी सुनीति, हमें ये भली भांति ज्ञात है कि एक बार सच्चे मन से जगदीश्वर भगवान विष्णु का नाम पुकारने वाला संसार की किसी भी आसुरी शक्ति से आहत नहीं हो सकता। देवगुरु, जगदीश्वर तो मेरे आराध्य हैं, किंतु मेरे कारण
उन्हें कितना कष्ट हो रहा है। आप सब भी ऐसे ना कहें महारानी सुनीति, भागवत भक्तों की सहायता करने से हमारी भागवत भक्ति और भी अधिक अटूट हो जाती। ये हमारा सौभाग्य है महारानी सुनीति कि आप जैसी परम भागवत भक्तन की सहायता करने का शुभ अवसर हमें हरि कृपा से प्राप्त हुआ। महारानी सुनीति, एक क्षण के लिए भी अपना मन विष्णु भक्ति से भटकने ना दें, वे अवश्य आपका कल्याण करेंगे। आपका कल्याण हो। ओम नमो नारायणाय। तुम्हारे कारण आज वो भीरु सूर्य मेरे प्रहार से बच गया, अन्यथा मैं अपने ताड़ों में दबाकर उसे निगल जाता। दैत्य सेनापति राहु, हमें तुम्हारे पराक्रम पर गर्व है, किंतु तुम अपने कार्यों से उस गर्व को खंडित करने का प्रयास कर रहे हो। अर्थात? अर्थात कुछ निगल कर पचाने के लिए पेट की आवश्यकता होती है। तुम सूर्य को निगल कर पचाने के लिए कहाँ ले जाते? दुष्टो, तुम दोनों इसी प्रकार के दंड के योग्य हो। दैत्य सेनापति राहु से परिहास और अपमान तुम दोनों के जीवन के अंत का कारण बनेगा। हमें क्षमा कर दे शनिदेव, हमें क्षमा कर दे। नहीं, तुम दोनों क्षमा के योग्य नहीं हो। हमें एक बार क्षमा कर दे भाग्य विधाता शनिदेव, हमें क्षमा कर दे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए इन दोनों की मूर्खता को क्षमा कर दें। नहीं, भाग्य विधाता शनिदेव, हमें क्षमा कर दें। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, बस रहो बस, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव को सब कुछ ज्ञात है। जब सूर्य को उसकी दुष्टता का दंड देने के लिए तुम्हारी क्रोधांगनी भड़क उठी थी, तब इस दुष्ट ढैया ने तुम्हें रोक दिया। इस दुष्ट ढैया ने। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते शनिदेव। आज मैं सूर्य को अपनी दाढ़ों में दबाकर चकनाचूर कर देता। मुझे आज्ञा दे विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, इसी क्षण इस दुष्ट सुनीति का मैं सर्वनाश कर देता हूँ। नहीं राहु, नीति के कुचक्र इस समय मुझे सुनीति पर प्रहार करने की अनुमति नहीं दे रहे। अर्थात? अर्थात अर्थात ये कि उचित अवसर की प्रतीक्षा करो राहु, और संपूर्ण विध्वंसक प्रहारों से दुष्ट सुनीति को भस्म कर दो। कब आएगा वो अवसर शनिदेव? वैष्णव भक्ति का ढोंग करने वाले हमारे विरोधी ग्रह और सूर्य देव के स्वभाव से तुम भली भांति परिचित हो रहो। जिस समय हमारे विरोधी ग्रह असावधान हो, उस समय रहो, उस समय सुनीति पर प्रहार करो। यही उचित होगा शनिदेव। जय जय शनिदेव।